दोस्तों अभी आप लोग पेमेंट करने के लिए यूपीआई का यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, रूपी नोट का यूज करते हो। दोस्तों ये रूपी नोट का चलन आजादी के बाद आया, उससे पहले चांदी के सिक्का चला करते थे, उससे पहले स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी, और इसके अलावा लोग आपस में सामान का लेन देन किया करते थे। मेरे पास ये सामान है ये ले जाओ, और तुम्हारे पास ये सामान है ये दे जाओ, जिसे हम बाटर सिस्टम कहते थे कि आपस में एक चीज को लेना दूसरी चीज को देना। तो ये बाटर सिस्टम बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, और आज के दिन भी ये बाटर बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही बाटर के किंग से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार बाटर बिजनेस होता क्या है, और किस तरीके से आज इस यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के दौर में भी आप बार्टर बिजनेस कर सकते हो और बेहतरीन इनकम कमा सकते हो। तो इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है बार्टर बाजार के फाउंडर डायरेक्टर गौरव सिंह जी, जो आपको बताएंगे आखिरकार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी आपको बहुत बहुत स्टूडियो। मैं जानना चाहूंगा कि बार्टर लोग पांचवी क्लास में छठी क्लास में पढ़ा होगा बाटर के बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली। बिल्कुल, आज के दिन भी 2023-24 में भी ये कितना कारगर है और ये बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है? सर एक ही लाइन में बात करूंगा कि अगर 90% लोग चाहते हैं कि मेरी मार्केटिंग हो विदाउट कैश, हर आदमी चाहता है कि मैं मार्केटिंग तो करूँ हाँ, बट मैं कैश ना खर्च करूँ, क्योंकि कैश का मतलब बैरियर एक लिमिट होगी उसकी कि मैं इतना खर्च करूँ, और जितनी बार खर्च करेगा उतनी बार देगा कितनी कॉल आएगी। ओके, बाटर का मतलब है एंडलेस मार्केटिंग, जितना मर्जी आप स्केल करिए क्योंकि वो बैरियर हट गया। आपको अपना प्रोडक्ट दिया आपने और बदले में आपको मार्केटिंग मिली, होर्डिंग्स मिली, आपको एफएम मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिला, और खासकर यूट्यूब मीडिया। आज इन्फ्लुएंसर्स हर कंपनी बाटर कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में हम हर प्रोडक्ट बाटर कर रहे हैं, मतलब कपड़े से लेके जूते से लेके जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है, जितनी नेगेटिव एक्सपायरी इन्वेंट्री है, मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसकी नेगेटिव, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट, हाँ जी, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जिनके नियर टू एक्सपायरी स्टक हो जाता है, अनसोल्ड स्टॉक है। ये सारी इन्वेंट्री आज अगर उसे फ्लश आउट करनी है तो वो बाटर कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आप लोग जाते होंगे सुपरमार्केट में, आपको बहुत सारी चीजें 1+1 पे मिलती होगी, 70% off, 60% off, तो वो सारी इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज होती है जो बहुत जल्दी सेल करनी होती है, और इस ऑफ के चक्कर में फटाफट उठ जाती है और बिक जाती है। बिल्कुल। इसी तरीके से कंपनियां बाटर के थ्रू ये सारा होर्डिंग सी, हाँ जी, टेक एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप बैंक जाते हैं, हाँ, एक आदमी पैसे डालने जाता है, एक निकालने जाता है। बिल्कुल, हम दोनों आपस में क्यों नहीं कर लेते, बैंक क्यों? वैसे एक्सचेंज का बैंक, एक्सचेंज का मतलब बाटर कंपनी। ओके, मतलब हमने होर्डिंग्स वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट, इधर से आपका मैं कहता हूँ स्पा, सैलून, ये सब यूनिवर्सिटीज, ये सारे हमारे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, बट इन सभी एक प्लैनेट बनाया हमने, हाँ एक प्लैनेट बनाया, इसमें हमने डिसाइड कर लिया कि हम आपस में सब प्रोडक्ट का लेन देन करेंगे। हाँ जी, अब इसमें आता है कि प्रोडक्ट का लेन देन कैसे, हाँ जी, एक होता है एमआरपी वर्सेज एमआरपी, एक होता है कैश वर्सेज कैश। मान लीजिए आपका रेट है एक्स एमआरपी लिखा है, या हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी है कैश वैल्यू। हाँ जी, आप मान लीजिए सपोज आपने मेरे से कहा कि यार मैंने आपको, जैसे मेरी अगर आप डालेंगे तो उसमें कई वीडियोस मिलेंगी, मैं होटल की रूम नाइट पे एक्सचेंज कर रहा हूँ, जैसे अनसोल्ड रूम नाइट, ऐसा कोई होटल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसके अनसोल्ड रूम नाइट ना, एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं 30% 40% रूम नाइट खाली रहती है, अब मैं कहूँ खाली रह जाएगी, जीरो से हीरो बना जाता हूँ, उस अनसोल्ड की रूम नाइट आप मुझे दो, आपने मेरे को गोवा दिया बदले में उसे हरिद्वार ले लो, हरिद्वार दिया मेरे से आगरा ले लो, आगरा से दिया मेरे से आप कलकत्ता ले लो, रूम नाइट वर्सेस रूम नाइट, रूम नाइट का भी जो रेट है वो देखा जाए, कैश रेट आपने मेक माय ट्रिप को बना दिया, इसका रेट, इसका रेट, और मैंने कहा बेस्ट ब्रेकफास्ट हुए, बेस्ट ब्रेकफास्ट हुए। अब आज के दिन में हम जो बाटर इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है उसको हम कैश में बेच नहीं रहे, उसको हमें एक्सचेंज में देना होगा। ठीक है, हमारा जो कमाई है वो 5% इधर से, 5% उधर से, एक तरह से 10% जैसे बैंक कमा रहा है, हमने दोनों पार्टीज को मिलाया और दोनों से हमने ट्रांजेक्शन चार्जेज आप ले रहे हैं। तो आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो आज, मतलब ऐसा कोई कंट्री भी बाटर कर रहे हैं, हमने तेल दिया बदले में राइस ले लिया, आज कंट्रीज बाटर कर, वर्ल्ड में बहुत सारी बाटर कंपनी ऑलरेडी है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं और आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कैश दीजिए, पेमेंट करिए और आप प्रोडक्ट सर्विस ले लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दे दीजिए, रेट्स जरूर देखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप चांदी देके सोना नहीं ले पाएंगे, चांदी के रेट में चांदी जाएगी। चॉइस वर्सेस चॉइस इज नेवर ए बाटर, ओके, अवेलेबिलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज बाटर। ठीक है, आपने क्या दिया, हाँ ये आपने दे दिया और हमने बता दिया हमारे पास ये, इन्हीं में से लेना होगा, मुझे ये चाहिए
दैट इज नॉट अबाउट, जो अवेलेबल है उसी में से लेना पड़ेगा, जो चीज अवेलेबल नहीं है आपको कहां से मिलेगी, कैश पे ले लीजिए, कैश पे सब कुछ अवेलेबल है, जब आपको बार्टर में करना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, और आपको इस प्रोडक्ट को देने के बदले एक्स चार्ज देना है और प्रोडक्ट की सर्विस लेने के बदले एक्स चार्ज देना है, ये ट्रांजेक्शन चार्जेज आपको पे करने होते हैं, ये पूरा बार्टर बिजनेस है। तो सर मेरा अगला सवाल यहां पर है कि जब हम बार्टर कर रहे हैं, सामान का लेन देन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है? गवर्नमेंट ने लेजिमेट कर दिया बार्टर को, यू हैव टू पे द टैक्स एंड यू कैन डू बार्टर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने इवन आप ये सब ऑलरेडी पार्ट ऑफ यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, हाँ जी, टाइप कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने कब किया, हम्म, तो यू फाइंड इन 2019, हाँ, अप्रोक्सीमेटली उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर ऑलरेडी रूलिंग आ चुकी है, ठीक है, और इसमें टैक्स दीजिए और आप बार्टर करिए, स्वैपिंग इसको बोलते हैं, स्वैपिंग, ठीक है, तो स्वैपिंग मतलब अपना दे जा मेरा ले जा, अल्टा पल्टी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आज सबसे पुराना मेथोलॉजी है, इवन दिस नथिंग न्यू, काफी लोग कहते हैं नया तो कुछ भी नहीं है, सबसे पुराना ही है, जैसे आज दोबारा से बेल बॉटम पहनने लगे लोग, हाँ बिल्कुल, तो आप कहेंगे जी सब कुछ दोबारा रिवर्स वही हो रहा है, तो आज बार्टर एक ऐसी चीज है कि अगर आप बार्टर कर रहे हैं कहीं पे भी, मतलब बार्टर शुरुआत, मतलब मेरा ये कहना है हर आदमी मार्केटिंग करे बिना कैश के करे, इससे तो कैश बचा, कैश बर्निंग नहीं किया उसने, प्लस उसका उसका प्रोडक्ट पुश हो गया, बिल्कुल, मतलब आज उसका प्रोडक्ट जा नहीं रहा था उस मार्केट में, शेल्फ में नहीं पहुंच रहा था, और आज हमने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट किए हैं, लोग कहते हैं कि बार्टर में कैश नहीं आता, मैं कहता हूँ उल्टा बार्टर से ही सबसे ज्यादा कैश आता है, बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जानते हैं कि आपके पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बार्टर के बारे में लोग जान गए समझ गए, अब आपकी तरफ से क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों से? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले कि आप छोटा बार्टर शुरू करें फिर बड़ा बार्टर करें, पहली चीज। सेकेंडली आप बार्टर बिजनेस में आज काफी फियर ऑफ सेलिंग, हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर ऑफ सेलिंग, एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल, हर आदमी चाहता है मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं जो मुझे कुछ बेचना ना पड़े, पहली चीज, एक ऐसा बिजनेस करूं जो हर बिजनेस में फिट हो जाए, दूसरी चीज एक ऐसा बिजनेस करूं जो कभी भी रिसेशन प्रूफ, बिल्कुल, आज बार्टर बिजनेस डे बाय डे बढ़ेगा क्योंकि कैश हर आदमी बचाना चाह रहा है और बार्टर में स्पेंड करना चाह रहा है, बिल्कुल, और दूसरा बार्टर की लीड्स खुद कॉल आ रही है, एक होता कस्टमर मुझे ढूंढ रहा है, एक होता है कैश सेविंग कंसलटेंट बने, हर आदमी बुला के धंधा देगा, उल्टा आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, और बार्टर हर इंडस्ट्री में फिट होता है, आज आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, आप टायर की बात करें, आप होटल्स की बात करें, आप रेस्टोरेंट की बात करें, आप सैलून्स की बात करें, आप जिम्स की बात करें, आप जस्ट नेम एनीथिंग, कपड़े से लेके जूते से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके गाड़ी से लेके, हर आदमी को सिर्फ आप बोलिए कि आई एम बार्टर कंपनी। बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग लोगों का ब्रांड प्रमोशन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के रील्स बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग कैश नहीं देना चाहते, बदले में हम उनसे सर्विसेज ले लेते हैं, बदले में हम उनसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक अपना कहीं ना कहीं लगाना चाहती हैं, जैसे कि सपोज करिए आप एक शर्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं और आपने 1 करोड़ रुपए के शर्ट्स बना के रख दी, वो बिक नहीं पा रही है, आप मेरे जैसे मीडिया कंपनी के पास आएंगे और आप बोलेंगे कि आप मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिलवा दीजिए, बहुत सारे अलग अलग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह मेरे वीडियो बनाकर डाल दीजिए, लेकिन बदले में मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पूरा स्टॉक खर्च कर रखा है अपना, पैसे है ही नहीं, मार्केटिंग कहां से करें? मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक्स अमाउंट की मुझे शर्ट्स दे दो, आपने शर्ट्स दे दी, मुझसे मार्केटिंग करवा ली, उस मार्केटिंग के बदले आपको ऑर्डर आना चालू हो गए, आपका माल बिकना चालू हो गया, मतलब बिना पैसे के आपने मार्केटिंग कर ली और अपना बिजनेस जमा लिया, अपना डेड स्टॉक खाली कर लिया, अपनी कैपिटल क्लियर कर ली, और उस कैपिटल से आप आगे कितना बिजनेस कर सकते हो, तो बेसिकली बार्टर की पावर यही है और ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ, हम लोग इस तरह से भी काम कर रहे हैं कि सर्विस के बदले और प्रोडक्ट्स के बदले भी हम उनकी मीडिया प्रमोशन करते हैं, तो सिर्फ मीडिया प्रमोशन क्यों, आप कुछ भी चीजें करिए सर बता रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज आप बार्टर कर सकते हैं बार्टर बाजार के साथ, तो पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है। एक तो कई बार चैलेंज भी आता है, जैसे टेक एग्जांपल, एक होता है 1-to-1 बार्टर, हाँ जी, 1-to-1 का बार्टर की आपने इनसे कर लिया, हाँ, और दोनों ने डिसाइड किया कि इसने कहा मैं जूते दूंगा, हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन में जितने जूते करोगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यू ओपन अकाउंट विद मी, यू गिव दैट शूज टू मी एंड यू टेक ऑर्डर फ्रॉम मी, ठीक है, कहने का मतलब वंस यू आर 1-to-1 बार्टर से बार्टर, अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए, हाँ, वो अचार दे रहा है, आप कह रहे आपका पहला क्वेश्चन में इतने अचार का करूंगा, 2 डब्बे खा लोगे, 4 डब्बे खा लोगे, 10 डब्बे खा लोगे, मान लो उसने 1 लाख का अचार दे दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम है 1 लाख का अचार का करें, तो बेसिकली ऐसे में आपको चाहिए बार्टर बाजार, तो बार्टर बाजार में क्या है कि आपके पास जो सर्विसेज पड़ी है वो वहां दे दीजिए और उनके पास जो सर्विसेज है वो ले लीजिए या फिर इनकैश करा लीजिए, इनकैश कैसे होगा, बदले में और सर्विसेज दे दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं और ये सब चीजें आपको एक छोटे से वीडियो में समझ में नहीं आ सकती है, और कभी भी मैं आपको ये चीज बड़ा
क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर में बताना चाहूंगा, कभी भी एक वीडियो में पूरी जानकारी लेने की कोशिश मत करिएगा, वो आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी। आपको नीचे नंबर दे रहा हूं, कॉल करिए, बातचीत करिए, मिलने आइए, वन टू वन बैठिए और समझिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में कोई चीज समझते हैं और तुरंत उसको डील कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि कई बार हमारे साथ गलत हो जाता है। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजिए, अपने प्रोडक्ट के पिक्स भेजिए, उसके बारे में कोई इंस्टाग्राम कोई वेबसाइट है वो भेजिए, आप जैसे ही मुझे करेंगे मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। बिल्कुल, तो यही तरीका होता है, कभी वन टू वन करिए, चीजों को समझिए, चीजों के साथ डील करिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। अभी हम बात कर रहे हैं बाटर की, तो बाटर बाजार आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करवाने की, एक्सचेंज करवाने की, और साथ ही साथ मीडिया प्रमोशन करवाने की। सर और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? YouTube मार्केटिंग में 4 करोड़ से 8 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मल्टीपल किसी के 27 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 16 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं। मैंने सबके मार्केटिंग राइट लिए, इनका आपके साथ डायरेक्ट बाटर नहीं होता। आपने जस्ट वन सिंगल विंडो मुझे बुलाया, मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाया, मैं उनके लिए सिंगल विंडो हूँ। आई विल जस्ट मेक ए वीडियो एंड आपका प्रोडक्ट मैं उनको देके, और बेसिकली एक तरह से बेसिकली मैं एक्सचेंज कंपनी बन गया। हाँ जी, और आपके लिए सिंगल विंडो बन गया। तो आपका आज काफी ऐसे प्रोडक्ट है जिनके मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और जिनको आज मैं सिंगल विंडो दे रहा हूँ और प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप डायरेक्टली बात करेंगे होर्डिंग वाले से, एक बार ट्राई करिए, ये वीडियो आप उनको भेजिए, वो होर्डिंग वाला डायरेक्ट बार्टर नहीं करेगा। बिल्कुल, वो पहले कैश ही मांगेगा। उल्टा पहले आप सबको ट्राई करिए, ट्रस्टेड लोगों के साथ ही तो करेंगे बार्टर, वो हर किसी थोड़ी कर लेंगे। नहीं देखिए, दिक्कत क्या होती है, होर्डिंग वाले के साथ एक दिन सबके साथ ही प्रॉब्लम है। मतलब उसने कहा मैं 1 लाख की होर्डिंग है, उसने कहा जी मैं 1 लाख के जूते क्या करूँगा। बिल्कुल ठीक बात, आप वो दोनों के दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। हाँ। उसे कुछ नहीं करना, वो 1 लाख के जूते मुझे दे। पहली बात, आज 90% लोग ट्राई करें, एक बार जस्ट डायल पे कॉल करें। अगर आप होटल ओनर हैं, रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप किसी भी चीज की आपकी कंपनी है, बट ट्राई करिए किसी मीडिया वाले को और उसको बोलिए कि मैंने ये वीडियो देखी है कि बाटर होता है, मैं अपने प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे आज रूम नाइट दे दीजिए, मुझे आप होटल दे दीजिए, मुझे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने दीजिए, मैं फलानी फलानी कंपनी का मालूम हूँ। एक बार पहले ट्राई करिए, हर तरफ से ये आएगा नो। एक बार आपने मुझसे कर लिया, मैं ये सारी चीजें अवेलेबल करा सकता हूँ। उसका रीजन है मेरे पास ऑलरेडी बार्टर कम्युनिटी बन चुकी है, मैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड यही काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैरायटी। और पूरे इंडिया में आप कलकत्ता में होर्डिंग लीजिए, बॉम्बे में होर्डिंग लीजिए, आप चेन्नई में होर्डिंग लीजिए, आपको पूरे इंडिया में इतनी वैरायटी कहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि एज ए बार्टर बैंक आज मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई रन नहीं कर रहा, एंड हम सबसे पुराने। और हमने कुत्ता भी बार्टर किया है, हमने अंडा भी बार्टर किया, हमने ईट भी बार्टर किया, हमने रियल एस्टेट भी बार्टर किया, हमने एजुकेशन भी बार्टर किया, हमने हर मतलब हर तरह का आइटम हम बार्टर। कुछ भी हो आपके पास, कुछ भी हो आपके पास, हर एक चीज आपकी जिसकी प्रोडक्ट वैल्यू है वो आप बाटर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात यही है, जिसकी मार्केट में सेलिब्रिटी है और जिसकी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बाटर हो सकती है, और उसके बदले में हर वो चीज आपको मिल सकती है जो आपको चाहिए। सेलिब्रिटी आपको बार्टर में मिल जाएगा। मतलब आपको आज मान लो ब्रांड एंडोर्समेंट कराना है, यू वांट अ सेलिब्रिटी, तो हमने रियल एस्टेट में सेलिब्रिटी बार्टर की है। हाँ जी। आज मैं बात करूँ एजुकेशन बार्टर, मैं बात करता हूँ आज की रेट में, मतलब आप जैसे स्टूडियो हो गया, हाँ। कैमरा हो गया, हर चीज हमने बार्टर की। इवेंट्स में अगर आप जाएंगे सेल्फी बूथ, आज इवेंट में स्टॉल्स बार्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो हर मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। इसमें हमने बहुत इंडिया लेवल पे पूरा उसमें शुरू किया है, पिन कोड वाइज फ्रेंचाइज दे रहे हैं हम लोग, 50,000 की फ्रेंचाइजी है। अगर आप कहीं पे भी आप शुरू करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स आपके हैं, वहाँ पे आप करिए। और प्लस हम लीड्स भी देंगे, लीड्स का मतलब फिर वही वाली बात आ जाती है, ग्राहक भी हम देंगे, इंक्वायरी भी हम देंगे, पूरे इंडिया से कॉल आएंगे। तो आज आप उस कंपनी की फ्रेंचाइज लीजिए जो आपको काम भी दे सके, बिल्कुल कॉल्स भी दे सके, इंस्टेड ऑफ आप एक ऐसी चीज को लेके बैठ गए जिसके लिए आप ग्राहक ढूंढ रहे हैं। तो मैं बार बार कहूंगा हमेशा वो काम करिए जिसका ग्राहक कंपनी खुद दे सकती है। बिल्कुल, जो एक इतना पहली किक भी मिले और रेगुलर बिजनेस भी मिले। तो आप 50,000 रुपीज के पिन कोड, 1 लाख की विधानसभा डिस्ट्रिक्ट, 2.5 लाख, ऐसे हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है। और सबसे बड़ी बात की एक पूरा एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने क्रिएट किया है, और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा बाटर का, जिसमें कि आप गाँव गाँव शहर शहर आप बाटर को प्रमोट करें। और जब बाटर आप प्रमोट करेंगे, सेव कैश डू बाटर, मैं बार बार कहूंगा सेव कैश स्टार्ट डूइंग बार्टर। एंड बार्टर जिसने एक बार कर लिया, सेकेंड टाइम मार्केट में मार्केटिंग में वो एक सिंगल रुपी खर्च नहीं करेगा। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि बार्टर बिजनेस एक नया फ्यूचर है, जहां पर कि आप विदाउट कैश मार्केटिंग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसको लेजिटिमेट कर रही है, सब्जेक्ट टू टैक्स एंड समथिंग, कुछ कुछ उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। और सही में इस बिजनेस के जरिए आप अपने बिजनेस को बूम पर ला सकते हो, या फिर आप बाटर का काम करके भी पैसे कमा सकते हो विद बाटर बाजार। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जुड़िए और काम करिए।